है एवरीवन, तो कैसा चल रहा है आपका दिवाली का क्लीनिंग? मैं तो अभी जोरों शोर से लगी हुई हूँ अपने घर को साफ करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ मिस्त्री आए हुए थे जो कुछ काम कर रहे थे रूम में। यहाँ एक खिड़की थी जिससे बहुत ही दिक्कत आ रही थी, तो ये दूसरे दिन का वीडियो है। ये मेरे रूम मैं कलर कर रहे थे, तो आप लोगों ने अपने घरों में कलर करवा लिया? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और मैंने अपने रूम का इस बार कलर चेंज करवाया, और इसी बीच मैं दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ तुरई की सब्ज़ी और आलू गोभी की भुंजिया दाल चावल सब बना रही थी। मुझे उधर भी देखना पड़ रहा था, इधर भी किचन भी संभालना पड़ रहा था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। तो ये तुरई की सब्ज़ी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोगों में कौन कौन पसंद करते हैं ज़रूर कमेंट करें। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने रूम में कलर होने के बाद। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सभी सामानों को सेट करूं। देखिए सर, कैसे रूम में चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा हुआ है। मैं दिमाग लगा रही थी कि मैं कैसे कहाँ किस सामान को लगाऊं जचाऊं। तो मैं थोड़ी देर बैठ चुक गई थी, सभी सामानों को दिमाग लगा रही थी कि कहाँ किसको रखना है। तो फिर मैं लग गई कामों में। आप लोगों का काम कैसा चल रहा है ज़रूर कमेंट करें। देखिए घर कैसा बिखरा पड़ा है, मैं लगी हूँ इसे समेटने में। दिवाली की सफाई ने हम लोगों की जान ले ली है, तो बने रहे ब्लॉग में और देखें मैं कैसे इसको सेट करती हूँ। देखिए किस तरह सारा सामान फैला हुआ है, बेड पर, ज़मीन पर। मैं भी इसको सेट करूँगी, बने रहे ब्लॉग में। तो रूम का फाइनल लुक मैं आपको अब दिखाती हूँ। मैंने रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया। बारिश हो रही है तो कपड़ों को मैंने, सूखे हुए कपड़ों को मैंने अंदर डाल दिया, तो इसको आप इग्नोर करें। आपके यहाँ का वेदर कैसा है, तो कैसा लगा आपको मेरा रूम क्लीनिंग के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वो जो थोड़े कपड़े हैं वो मैं गरीबों में बांटूंगी। रूम क्लीन करने के बाद, अब मतलब सामान को सेट करने के बाद, मैंने सोचा चलो अपने पे भी कुछ ध्यान दिया जाए। तो मैंने यहाँ सरसों तेल डाला कढ़ाई में, कढ़ी पत्ता, कलौंजी, ये सभी को मैंने तब तक उबाला जब तक ये आधा नहीं हो जाए। तो आप लोग बने रहे, ब्लॉग मिलते रहे।